तो भाई उतर गए यहाँ से, तो कुछ डर वगैरह लगा नहीं, मैं सोचा डर लगेगा कुछ लगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ पे कुछ आके ऐसा व्यू है, आती है हमें स्पाइडरमैन मिल गया, और आंटी डांस वगैरह कर रही है भाई राजस्थानी गानों पे। इसको करते हैं मेलो, पानी को दिखाते हैं आपको, इसमें चल रही है बोट। बोट क्या, कैसी बोट है ये, इतना ही एरिया है क्या पानी वगैरह का? तो नीचे जाके वाटरफॉल और दिखाता हूँ, वहाँ पे अच्छा लगेगा। और वहाँ पे उस साइड भी एक छोटा सा झरना टाइप सा बना रखा है, जो मतलब कैफे वालों ने बना रखा होगा, तो वो दिखाता हूँ आपको। ये रेस्टोरेंट है भाई, और पता नहीं कौन से गाने चल रहे हैं, कौन से पहाड़ी गाने हैं शायद ये पहाड़ी गाने, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहे। आंटी पता नहीं डांस कर रही है, डांस अच्छा लग रहा है बट गाने तो समझ में आ नहीं रहे। ये देखो एक ही वाटरफॉल सा है, वाटरफॉल नहीं मतलब ये रेस्टोरेंट वालों ने बना रखा है। ये तो जो नेचुरल वाटरफॉल है ना, वो तो शायद नीचे जाके है, तो नीचे से दिखाऊंगा। बाकी ऐसा है व्यू है यहाँ पे, बढ़िया है। फिलहाल नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। रास्ता शायद यहीं से होगा अपना, तेरा कवर करने के लिए। ऊपर से भी कुछ है यार, ये जिप लाइन टाइप छोटा है। अब ये यहाँ से जाके होगा रास्ता शायद। अभी ऐसे चल रही थी यार, स्लोली स्लोली 15 मिनट में ये वापस आई है। अच्छा यहाँ पे तो स्विमिंग पूल है भाई। अच्छा वो रहा वाटरफॉल मिल गया। अब जाने का रास्ता कहाँ से है ये? ऊपर से कुछ है क्या इस साइड से? चलो दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ बढ़िया हाँ लग रहा है यार व्यू। यहाँ पे नीचे अच्छा लगा मेरे को तो यार। नहाने के लिए कपड़े तो लेके नहीं आए, ये तो गलत हो गया गाइस। वाओ ये है भाई व्यू, तो इसी व्यू के लिए तो आए थे यहाँ पे। चलो अभी नीचे चलते हैं, नीचे चल के दिखाते हैं अच्छे से। और रास्ता वो रहा वहाँ पे जाने का, और यहाँ से जाते हैं अभी। चलो तो गाइस यहाँ पे तो ये बोट वगैरह चला रहे हैं, और यहाँ से है मेन जो एरिया है। वाओ ये है जगह गाइस फोटो वगैरह खिंचवाने की, तो बढ़िया। यहाँ से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं गाइस। आवाज़ नहीं आएगी डरने के कारण। और वाटरफॉल यही है भाई यहाँ पे, और तो क्या है। ये देखो पानी कितने तेज चल रहा है, और बंदे वगैरह नहा रहे हैं यहाँ पे। हम भी करेंगे भाई ये काम, तो शूज़ वगैरह निकाल के फ़ोटो वगैरह तो खिंचवा सकते हैं। बढ़िया निकालते हैं, थोड़ा बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, फिर चलते हैं बाद में। चलो लो भाई आ गए हैं पानी में, इतना ही पानी है बाकी यहाँ पे। और ये है झरना, झरने के बीच लहराते हुए पानी में। वाओ वाओ भाई पानी काफ़ी ठंडा है, पहले तो महसूस हो रहा था, अब महसूस होना बंद हो गया। बाकी मजे आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो आपको आ रहे हो भाई। आवाज़ नहीं आ रही होगी यहाँ पे, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा भाई। और ये देखो कैसा दूध वगैरह बन गया पानी का, कितना अच्छा लग रहा है। चलो थोड़ा इन्जॉय करते हैं और फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस घूम फिर के अपना आगे वह जैसे देखा है तो कुछ नहीं था, वो वाटरफॉल था और एक्टिविटीज़ थी, गाड़ी वगैरह मतलब छोटे बच्चों की ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, और ये झूला वगैरह था। ठीक था यार, ज़्यादा मतलब खास भी नहीं था बट ज़्यादा बेकार भी नहीं था, दोनों तरह का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। ये था अपना भट्टा फॉल्स, और ये यहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा यार, और किसी चीज़ से तो मेरे को व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और चीज़ तो ऐसी थी। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, एक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, बैठने के लिए जगह है तो वहीं पे चल के मिलते हैं अभी। चलो वहीं पे मिलते हैं अभी। सो गाइस अभी टाइम हो गया, एक बजने वाले हैं, अभी 12:30 हो गया। वैसे तो भूख वगैरह लगाई थी तो KFC में थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह क्या मतलब लंच वगैरह टाइप ही कर लिया थोड़ा सा। तो फिलहाल अभी घूमते हैं यहीं पर आसपास में, करेज जी हैं हम बंदे। चलो भैया चलो, बहुत गर्म हो रही है यार गाड़ी, तो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो जाए, पहाड़ पर भी नहीं गर्म हो जाए गाड़ी, थोड़ी आएगा पहाड़ में। सो गाइस अभी घूम फिर के अपने ऊपर फार्म हाउस पे, फार्म हाउस कह रहा हूँ, अपने एयरबीएनबी वाले रूम पे जा रहे हैं। और यहाँ से अभी एक लोकेशन देखी थी जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब कड़ी लोकेशन है। यहाँ की लोकेशन दिखाऊँगा ना तो आप देखते ही रह जाओगे। भाई भी जाए अपने लग गया ब्लॉगिंग पर, देखियो भाई भी लग गया। और ये लोकेशन देखो आप, जहर लोकेशन है भाई।
लोकेशन देखते ही मजे से आ गए। अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो आदमी मरे तो नहीं गा, क्योंकि यहाँ पे गिरने से कुछ नहीं होगा क्योंकि यहीं पे गिरेगा। बट यहाँ से लोकेशन देखो भाई, क्या लोकेशन है, वाह भाई वाह, गाने भी चला दिए। इसी के साथ अपना वो लोग समाप्त नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इसको यहीं पे बंद करूँगा क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट आ जाए। तो रात को देखते हैं, वापस आएंगे यहीं पे और लोकेशन का व्यू देंगे आपको, अच्छा बहुत ही अच्छा व्यू आएगा रात को। तो रात को मिलते हैं अभी। लो भाई टास्क वाली जगह पे आ गए, अभी देखते हैं गाड़ी चढ़ती है नहीं चढ़ती। वाह 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 वाह, चढ़ रही है भाई, चढ़ रही है चढ़ रही है चढ़ रही है चढ़ रही है चढ़ रही है, चढ़ जाएगी भाई ये तो। बस अब तो इसको चढ़ानी आ गई। वाह वाह, मूवमेंट की शर्त जा रहा है। हाँ भाई आ गया, अभी इसको चढ़ानी, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो उस दिन डर ही गया था भाई, वरना तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलो अभी थोड़ा आराम करते हैं यहाँ पे और फिर रात को चलेंगे उसी व्यू पे जहाँ पे आए थे। ठीक है चलो अभी बाद में मिलते हैं। तो गाइज अभी टाइम हो गया 7 बज गए और अभी थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, लास्ट डे है तो देखते हैं आसपास में कुछ कोई कैफे वगैरह है, कोई ओपन है तो देखते हैं अच्छा खासा। और अंधेरा हो गया तो व्यू भी दिखाऊंगा। वहाँ पे जाएंगे ना द कैफे, क्लाउड कैफे था कौन सा था जहाँ पे दिन में गए थे, तो अगर वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ से व्यू दिखाऊंगा अभी, वरना कोई और जाएंगे तो अभी दिखाते हैं आगे आगे कहाँ पे चलते हैं, मेरे को भी नहीं पता। फिलहाल निकलते हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे पड़े पड़े क्या करेंगे यार, कल तो जाना ही है। तो चलो सो गाइस अभी आ गए अपने वहीं पे उसी कैफे पे जहाँ पे दिन में थे, तो अभी रात का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कैसा कैडा व्यू आ रहा है, अभी दिखाता हूँ। ये तो साइड का जो मेन व्यू है वो दिखाता हूँ। ये देखो गाइस क्या व्यू है, अभी क्लियर फोन में इतना अच्छा लगता नहीं यार, जितना मतलब आंखों से देखने में अच्छा लग रहा है ना वैसे फोन में नहीं आता इतना अच्छा। अभी दूसरे से और रिकॉर्ड करता हूँ फिर और दिखाता हूँ, उसके लेता हूँ मैं क्लिक्स, अब फिर दिखाऊंगा कैसी आती है वीडियो। चलो सो गाइस लोकेशन अभी अपनी चेंज हो गई है और पीछे आप देख सकते हो कितनी अच्छी लोकेशन है, बढ़िया व्यू आ रहा है। बट फोन में वही है, इतने अच्छे से दिख नहीं रहा जितना मतलब रियलिटी से देख रहे हैं ना आंखों से, तो वही है फ़ोन से इतना क्लियर नहीं आता नज़र, लेकिन यहाँ से व्यू आप देख सकते हो जितना अच्छा मैं दिखा सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ आपको। बाकी और कहीं पे जाएंगे तो आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी मेरे साथ भाई है, वो भी व्लॉग बनाएगा तो मैं अभी कंटिन्यू रखता हूँ और भाई को बनाने देते हैं और मिलते हैं फिर बाद में। चलो तो गाइज अभी टाइम हो गया 8:30 और अभी आए हैं माल रोड पर, और ये कुछ ऐसा सा माल रोड है और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को नोटिस कर रहे हैं भाई, तो एक एनाकोंडा ऐसा लिख गया ना, सब नोटिस कर रहे हैं भाई, सर्दी ना लगती से। माल रोड मार्केट ही है भाई, बाकी क्या ही है यहाँ पर, मेरे को तो और कुछ ना लग रहा है यहाँ पर। बताओ लाइट तो सारा रखी है इतनी लाइटों में भी, देखो लड़की कैसे देख रही थी, देखो पीछे देखो, हो बताओ सीरियसली देख क्या सर बताओ भाई। अब ये क्या दिखाएगा बताओ, क्या दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है पता है ना लोग। चलो अभी देखियो देखियो आगे, नोट्स नोट रिएक्शन। माल रोड ठीक है, ये है माल रोड मसूरी। तो भाई मार्केट अच्छी लग रही है, क्राउड भी सही है एकदम ठीक है। और ये हमारा यश है भाई आगे, जिसने पूरा आज का डाल रखा है और भाई ने कैड़ा माहौल बना रखा है। नोटिस करे भाई, हाँ हाँ ठीक है। सो गाइस ये माल रोड, ये शॉप्स है भाई इधर खाने की है, फूड जंक्शन ठीक है। और अभी रात के बजे भाई 8:30, तो सोचा कि क्यों ना यहाँ पे चल के माल रोड को भी एक्सप्लोर किया जाए। जैसे शिमला में भी है भाई माल रोड ठीक है, मनाली में भी है, तो माल रोड जहाँ भी होता है वो सही रहता है भाई, मतलब मार्केट होती है, आप शॉपिंग कर सकते हो, घूम सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो और क्राउड भी सही रहता है। ये पूरा व्यू भाई, ये पीछे से हम लोग आए,
ये माल रोड भाई। ये मतलब भाई बहुत सही वक्त चौधरी चल रही है यहाँ पे। इसने ये डाल रखा है गले में और यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि सही में असली का सांप है। ये देखिए ये देखिए भाई बहुत बहुत सही सीन। नहीं लाइक पब्लिक में लोग ये सोच रहे हैं कि सही में सांप है। अभी ये देखते हैं कि नेक्स्ट कौन ऐसा रिएक्शन देगा हमें। लड़के कम ही दे रहे हैं भाई, लड़कियां ज्यादा दे रही है, मतलब फीमेल ज्यादा दे रही है। और ये बकचोदी हो गई है इसके साथ। और एक और रिएक्शन भाई बहुत कूल। बहुत सही ठीक है। और ये सब देखते जा रहे हैं भाई। खतरनाक बहुत सही सीन। मतलब ये रिकॉर्ड करना पड़ गया भाई मेरे को। मतलब नोटिस कर सकते हो भाई तुम, मतलब लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं भाई इसके ऊपर। मतलब फनी मोमेंट है भाई ये जो अभी चल रहा है। लाइक यश को देख के लोग मतलब अलग है ना। रिएक्शन नोट करो भाई, रिएक्शन अलग ही तरह। गलत बना, वीडियो बना, पीछे से वीडियो बना। अबे भाई वीडियो बना, गल से रिएक्शन उसका भाई कड़े रिएक्शन आ रहे हैं भाई, अलग अलग तरह के। सबको ये लग रहा असली है। अभी देखियो आगे, देखो आगे। अभी रिएक्शन देखते जाओ, रिएक्शन नकली अंकल है। सही चीज है यार ये, कड़क रिएक्शन आ रहे हैं, कड़क रिएक्शन। इस लड़की को भी ऐसे लग रहा है, इसे सामने चल लेना अपने, इसको ऐसे लग रहा है कि असली है, बट कौन बता इसको नकली है। और कोई दिखाऊंगा अभी, किसी को और का रिएक्शन आया ना उसको दिखाऊंगा। एक मिनट रुको भाई, सूज के शुरू खुल गए भाई। तो गाइस रिएक्शन नोट करते हुए होते। ओ भाई अलग ही चीज है ये, तो अलग ही चीज है। रिएक्शन अलग अलग आ रहे हैं, बढ़िया चीज करती है। अलग ही नोटिस कर रहे हैं बंदे, दिखाऊंगा और कोई होगा ना तो वो भी दिखाऊंगा आपको। देखता हूँ आगे, दिखा अभी आगे लड़के आ रही है वो भी देखेंगे, दिखाता हूँ। अभी तो किसी ने नोटिस ना किया, अंधेरा है ना यहाँ पे, आगे नोटिस करेंगे। ओ भाई नोटिस कर रहे हैं, वो नोटिस कर रहा था भाई। लो ठंडी बियर आ गई भाई, तुर्कियन आइसक्रीम है भाई यहाँ पे, तो ले सकते हैं ये। अभी ये भी कर रहे हैं, भाई पीछे पीछे रिकॉर्ड कर रहा है, आगे आगे साथ साथ मैं कर रहा हूँ। चलो कितना बड़ा मार्केट है। अभी इसका इसका इस लड़के का गारंटी के साथ रिएक्शन आएगा, अगर इसने मेरे को देखा तो। अभी देखा तो रिएक्शन जरूर आएगा। मक्का है भाई ये, थोड़ी भीड़ कम है यहाँ पे मार्केट में, मार्केट में। इसको पीछे छोड़ दूँ? छोड़ दे यार, कहीं पे मार देगी।
ये सोचेगी क्या है। सो गाइस माल रोड वगैरह घूम के अपने वापस आ गए हैं अपने रूम पे, और अभी यहाँ आके बस खाना वगैरह खाया है। और टाइम बताऊँ तो टाइम देख लेता हूँ एक बार में क्या हो गया। टाइम 11 बज गए भाई, ठीक है 11 बज गए टाइम। और फिलहाल अभी सोएंगे और इसी के साथ करेंगे अपना ब्लॉग का भी एंड और रोड ट्रिप का भी एंड, क्योंकि कल गाइस हम जा रहे हैं अपने घर वापस। और चार पाँच दिन हो गए हमको यहाँ घूमते फिरते हुए। पहले दो दिन रुके थे हम देहरादून में, फिर 2-3 दिन यहाँ पर रुके, तो मतलब फिलहाल 5 दिन तो हो गए। एक मिनट भाई नोटिफिकेशन आ रही है। तो 5 दिन हो गए अपने को यहाँ पे रुकते हुए। और जो मैंने नोटिस किया, जो मेरे को अच्छा लगा, वो मेरे को लगभग मसूरी ज़्यादा अच्छा लगा। देहरादून तो एक शहर की तरह भाई, उसमें सब मतलब हर चीज़ मिलती है। मैं सोच रहा था कोई पहाड़ होगा या कोई अच्छी खासी लोकेशन होगी देहरादून, मतलब छोटा था या तब से ही सोचता था, क्योंकि ये रोड ट्रिप इस साइड की मेरी पहली बारी है, मैं आज से पहले इस साइड आया भी नहीं था। तो मेरे को यहाँ पे मसूरी ठीक लगा। बाकी कंपेयर करें अगर मनाली लद्दाख की साइड, तो वो और बेस्ट जगह भाई, ये छोटे पहाड़ हैं। और मनाली लद्दाख की साइड काफ़ी पहाड़ पे, मतलब वो तो अलग ही लेवल की बात है भाई। यहाँ के वो बात नहीं लगी मेरे को जो मनाली लद्दाख की साइड लगी थी। बाकी ठीक था यार, यहाँ का भी आज का सबसे बेस्ट पार्ट लगा मेरे को जो माल रोड कप्पे गए थे, जो रिएक्शंस आ रहे थे वो सबसे अच्छे लगे भाई मेरे को। तो देखते हैं यार कभी फिर एक नई रोड ट्रिप के साथ, नए व्लॉग चैलेंज के साथ, तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा भाई, व्लॉग के साथ ही अपनी पार्ट 3 लगा लो, सीरीज 3 लगा लो। तो इसी के साथ इस ट्रिप का एंड करते हैं और व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते देखते यस मिल लो, बाय।